हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस काकड़िया की सब्जी। इसे ककड़ी भी कहते हैं, जो काचरे होते हैं छोटे छोटे से, जिसे राजस्थानी भाषा में काचर भी कहा जाता है, उनका ही ये काकड़िया बड़ा रूप है। और ये ज़्यादातर राजस्थान में गर्मियों में देखने को मिलते हैं। तो इनको हमने साफ धो लिया है और इनको हम अभी छील लेंगे। तो इनके ऊपर ये छिलके हम हटा देंगे। छिलके हटाने के बाद इसे हम काटेंगे, तो इनके जो बीज है वो हम निकाल लेंगे। तो काकड़िया में से हम अच्छे से बीज निकाल लेंगे, क्योंकि कभी कभी काकड़िया के जो बीज होते हैं वो खारे होते हैं, तो इससे हमारी सब्जी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, तो इसलिए हमने इसे निकाल लिया है। इनको हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा चटक जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे हींग एक पिंच और एक टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि हमें अभी डालने हैं ड्राई मसाले। ड्राई मसाले हमारे जले नहीं, इसलिए हमने थोड़ा सा पहले से पानी डाल दिया है। और फिर हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और एक टीस्पून हम डाल देंगे धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा गर्म मसाला। तो ये सब डाल के हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़े से मसालों को हम पका लेंगे। तो मसाले पकने के बाद हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन को हम भून लेंगे। बेसन हमने इसलिए डाला है ताकि जो सब्जी की तरी है वो गाढ़ी हो जाए। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसमें पानी डाल देंगे भूनने के बाद और फिर इसमें डालेंगे हमारी कट की हुई ककड़ी और ये डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें और पानी डालेंगे। ये पानी डाल के हम इसे ढककर पकाएंगे मीडियम गैस पे। तो लीजिए, हमारे राजस्थान की फेमस काकड़िया की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी काकड़िया की सब्जी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक बार फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।